गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल बायो विद बबली। आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी का एक चैप्टर, थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसका आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, आज हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। अब पेयर ऑफ ओवरी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पेयर ऑफ ओवरी, ये जो ओवरी हैं ये दो प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड इज फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट भी होता है। थर्ड इज दिस यूट्रस, जो फीटस को होल्ड करता है, जिसके अंदर फीटस ग्रो होता है। फोर्थ इज वेजाइना, जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, जो बेबी को, जिसके थ्रू बेबी का बर्थ होता है, यंग वन का, फीटस का, वेजाइना। एंड फिफ्थ पार्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है? लेबिया मेजर एंड लेबिया माइनर, ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट इज मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड भी ही इसका पार्ट बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो टोटल 6 पार्ट हो गए, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, दिस यूट्रस, वेजाइना, दिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड लास्ट इज मेमरी ग्लैंड। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ओवरी। ओवरी क्या है? राउंड शेप की स्ट्रक्चर होती हैं ये, और ओवरी का साइज क्या होता है? 2 to 4, इनका जो साइज है 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक, और इनकी जो शेप होती है आलमंड जैसी होती है, बादाम के जैसी होती है। और ओवरी क्या है? ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, लोअर जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें ये प्रेजेंट होती हैं ओवरी, और किससे होल्ड होती हैं? दैट इज होल्ड टुगेदर बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, दैट इज नोन एज द मीजोवेरियम। जो ये है एब्डोमिनल वॉल से जो ये हेल्ड होती हैं उसको बोलते हैं एब्डोमिनल मीजोवेरियम, जिस फोल्ड से जो ये कनेक्ट होती हैं एब्डोमिनल वॉल के साथ, दैट इज नोन एज द मीजोवेरियम। अब ये इसके साथ भी कनेक्ट है, यूट्रस के साथ भी, इट इज कनेक्टेड विद यूट्रस विद ओवेरियन लिगामेंट्स। ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से ये ओवरी किसके साथ कनेक्ट है? इस यूट्रस के साथ कनेक्ट है। ओवरी का फंक्शन क्या होता है? इट फंक्शन इज द, इसके दोनों फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन भी होता है एक्सोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है? इट रिलीज द एग, ये एग रिलीज करती है ओवम, एग को ओवम भी बोलते हैं, इट रिलीज द ओवम। एंडोक्राइन फंक्शन इज, ये हॉर्मोन रिलीज करती है, कौन कौन से हॉर्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, ये दो हार्मोन रिलीज करती है ओवरी। आइए अब इस ओवरी का LS देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ओवरी। जैसे हमने टेस्टिस के केस में देखा था कि जो ओवरी है, जो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, उसके बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट थी सेल्स की, क्यूबॉइडल सेल्स की, दैट इज नोन एज द जर्मिनल एपिथीलियम। ये जो सेल्स हैं जर्मिनल एपिथीलियम की, ये क्यूब शेप होती हैं, और ये टेस्टिस में भी प्रेजेंट थी और इस ओवरी में भी प्रेजेंट होती हैं ये सेल्स। और जो इसके अंदर, जो ओवरी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इट इज नोन एज द स्ट्रोमा, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इसके दो पार्ट होते हैं ओवरी के, ओवेरियन कोर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला। ओवेरियन मेडुला में क्या प्रेजेंट होता है? ग्राफिकन फोलिकल प्रेजेंट होते हैं, यह है ग्राफियन फोलिकल, ये मैच्योर है, इसका साइज बड़ा है। ये ग्राफियन फोलिकल से क्या है, इसके अंदर क्या होता है? ये एग होता है, एग के बाहर फोलिकल सेल्स की क्या है? कवरिंग है, ये लेयर है, जो एग के बाहर है फोलिकल सेल्स की लेयर हैं, जो ये जो फोलिकल सेल्स होती हैं, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? जोना पेलुसिडा। और ये क्या रिलीज करती है? हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज नोन एज द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है ब्लड में। जब ये एग मैच्योर हो जाता है तो ये ओवम ये रिलीज हो जाता है। दूसरा पार्ट बताया हमने ओवेरियन कोर्टेक्स, उसमें क्या होता है? प्राइमरी एंड जो इमैच्योर होती हैं, प्राइमरी एंड मैच्योर फोलिकल उसमें प्रेजेंट होती हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है कोर्टेक्स में? कॉर्पस लुटियम प्रेजेंट होता है। ये कॉर्पस लुटियम येलो कलर का मास ऑफ सेल्स होता है, ये किससे बनता है? जब ये ग्राफियन फोलिकल में से एग मैच्योर होके रिलीज हो जाता है, तो इसका जो ये फोलिकल सेल्स है वो डिजेनरेट होके ये क्या बनाती हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। इसका कलर येल्लो क्यों होता है?
क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द ल्यूटिन। पिगमेंट का नाम है ल्यूटिन। जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इट रिलीज द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। और दूसरा हार्मोन ये सिक्रीट करता है, दैट इज नोन एज द रिलैक्सिन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद ये रिलीज करता है हार्मोन रिलैक्सिन। ये हैं ग्रोइंग फॉलिकल जो इमैच्योर हैं, और जो ये ग्राफियन फॉलिकल है इसके अंदर की जो कैविटी है एक फ्लूइड से फिल होती है, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फ्लूइड। और इस कैविटी का नाम है एट्रियम। इस कैविटी को हम एट्रियम भी बोलते हैं। तो ये था ओवरी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होती हैं? इनका दूसरा नाम है ओविडक्ट भी होता है। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मस्कुलर होती हैं। इसके चार पार्ट हैं फेलोपियन ट्यूब के। सबसे पहला पार्ट है इनफंडिबुलम। इट इज द इनफंडिबुलम। ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसमें ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज द फिम्ब्री। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द फिम्ब्री। इसका दूसरा पार्ट है एम्पुला। जो ये वाइड पार्ट है, दैट इज नोन एज द एम्पुला। और इसका तीसरा पार्ट है इस्थमस। थर्ड पार्ट इज इस्थमस। और ये फोर्थ पार्ट है, दैट इज नोन एज द यूट्राइन पार्ट। जब ये इसमें यूट्रस में ओपन होती है, ये पार्ट को बोलते हैं हम यूट्राइन पार्ट। तो चार पार्ट हुए इसके, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड यूट्राइन पार्ट। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। फिम्ब्री क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इसके अंदर एक अपर्चर होता है, होल होता है, जिसको बोलते हैं हम ओस्टियम, जिसके थ्रू ये एग को रिसीव करता है, किससे? ओवरी से। इसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं फिम्ब्री में, जो एग को, जिसमें मूवमेंट होती है, किसकी कैसी मूवमेंट, जो फेलोपियन ट्यूब है एग को आगे बढ़ाती है। जो एग इस ओवरी से रिलीज होगा उसकी क्या है, सीलियरी मूवमेंट होती है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो वो बीट करते हैं, एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में है, जब फूड मूव करता है बोलस के फॉर्म में, तो उसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ऐसे ही जो एग इससे रिलीज होगा ओवरी से, वो सीलियरी एक्शन एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से इस यूट्रस में एंटर करेगा। तो ये था फिम्ब्री। दूसरा पार्ट है एम्पुला। एम्पुला ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है फिम्ब्री के, और ये लॉन्ग होती है ट्यूब थोड़ी, और लेकिन ये थिन वॉल्ड होती है। इसके बाद है इस्थमस, ये स्ट्रेट थोड़ी सी ट्यूब होती है, और ये थिक वॉल्ड होती है। इसकी वॉल क्या है, थिक होती है। यूट्राइन पार्ट है, यूट्राइन पार्ट है जिसके थ्रू दिस ये फेलोपियन ट्यूब किससे कनेक्ट होती है, दिस यूट्रस से कनेक्ट होती है। ओके, ये था फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, ये रिसीव करती है एग को किससे, ओवरी से, और इसको पहुंचाती है कहां तक, यूट्रस तक। नेक्स्ट पार्ट इज यूट्रस। यूट्रस को वुम्ब भी बोलते हैं। यूट्रस के भी चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से, यूट्राइन फंडस, सेकंड पार्ट इज दिस बॉडी, ये यूट्रस की जो बॉडी है इसको कॉर्पस भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट इज कॉर्नुआ, दिस इज नोन एज द कॉर्नुआ, एंड फोर्थ पार्ट इज दिस वेजाइना। चार पार्ट कौन कौन से, यूट्राइन फंडस, दिस कॉर्नुआ, थर्ड पार्ट इज दिस बॉडी और कॉर्पस, एंड फोर्थ पार्ट इज दिस वेजाइना। यूट्रस को वुम्ब भी बोलते हैं क्योंकि इसी के अंदर फिटस की डेवलपमेंट होती है। यूट्रस की शेप क्या है, पियर शेप होती है। जो नली पेरस वुमेन होती है, मींस जिस वुमेन ने अभी तक, विच हैज़ नॉट गिवन बर्थ टू एनी चाइल्ड, जिसमें अभी कोई बर्थ नहीं हुआ है, दैट इज नोन एज द नली पेरस वुमेन। उसमें यूट्रस का साइज क्या है, स्मॉल होता है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। तो साइज यूट्रस का बहुत ही कम होता है। लेकिन जो मल्टीपेरस वुमेन है, विच हैज, मल्टीपेरस वुमेन इज द वुमेन विच हैज गिवन बर्थ टू 2 और मोर चिल्ड्रन, तो उसमें यूट्रस का साइज क्या है, बड़ा होता है। यूट्रस एक्सपेंड कर सकता है 500 टाइम्स 10 सेंटीमीटर क्यूब से 5000 सेंटीमीटर क्यूब तक ये एक्सपेंड कर सकता है यूट्रस। और इसकी शेप कैसी होती है, पियर शेप होती है इस यूट्रस की।
और जो ये कॉर्नुआ क्या है, ये है फंडस पार्ट, जो अपर डोम शेप पार्ट होता है, किसको रिसीव करता है, ये फेलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। और जो ये अपर कॉर्नर है, जहाँ पर ये जो ये ट्यूब है एंटर करती है इस यूट्रस में, अपर कॉर्नर को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द कॉर्नुआ। और ये क्या है, इसकी बॉडी है, जिसको कॉर्पस भी बोलते हैं। एंड फोर्थ पार्ट इज दिस वेजाइना, वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, जो इस यूट्रस की पोजिशन क्या होती है, एंटी फ्लेक्स्ड होती है, ये झुका होता है अपने ही जो इंटरनल ओस होता है, जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, उसमें ये हॉरिजेंटली, ये जो इसी पार्ट, ये देख आप देख सकते हैं, ये यूट्रस है हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर ये हॉरिजेंटली प्लेस्ड है यूट्रस। और ये किसके बीच में है, यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस रेक्टम के बीच में है ये यूट्रस, ये है यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द रेक्टम। और यूट्रस में क्या है, इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो मास ऑफ हाईली वास्कुलर वॉल होती है, इसकी तीन कवरिंग होती है, जिसमें बाहर वाली होती है दैट इज नोन एज द पेरीमेट्रियम, आउटर जो ये वास्कुलर वॉल होती है दैट इज नोन एज द पेरीमेट्रियम, और जो बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, और जो अंदर वाली ये जो लेयर है दैट इज नोन एज द एंडोमेट्रियम। इसी जब मेंसुरल फ्लो होता है, इसी एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते रहते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तीन वॉल हुई, पेरीमेट्रियम बाहर वाली, बीच वाली मायोमेट्रियम, और जो ये अंदर वाली है दैट इज नोन एज द एंडोमेट्रियम। तो ये है यूट्रस के बारे में। जो यूट्रस है किस में ओपन होता है, सर्विक्स में। इस सर्विक्स में, जो सर्विक्स में, और सर्विक्स फर्दर ओपन होता है वेजाइना में, वेजाइना को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। सर्विक्स के बीच में, और इस यहाँ जो सर्विक्स हैं, इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, मतलब दो ओपनिंग होती हैं। एक तो होती है जो ये यूट्रस के कॉन्टैक्ट में है सर्विक्स, दैट इज नोन एज द इंटरनल ओस, इंटरनल ओस, यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि ये होल्ड कर सकता है 7 kg फिटस को भी, और अलोंग विद द फ्लूइड प्रेजेंट इन द यूट्रस। तो ये इंटरनल ओस है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। और जो बाहर वाला स्फिंक्टर होता है, जिसके थ्रू ये वेजाइना में ओपन करता है सर्विक्स, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस, ये है एक्सटर्नल ओस। और जब प्रेगनेंसी के टाइम ये सर्विक्स क्या है, एक म्यूकस प्लग बना लेता है, जो इसको पार्टीशन कर देता है, और जो नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना क्या है, ये लॉन्ग ट्यूब है, 7.5 cm लॉन्ग है, ये मस्कुलर ट्यूब है। वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। वेजाइना के अंदर ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो वेजाइना के जो फोल्ड हैं वो स्मूथ हो जाते हैं। और जो ये हमारी जो एक्सटर्नल ओरिफिस होता है, जो इसको बोलते हैं हम वेजाइनल ओरिफिस, जब ये सर्विक्स ओपन होता है, इसमें सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में, तो ये जो आउटर कवरिंग, ये जो आउटर ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं हम वेजाइनल ओरिफिस। इसी के थ्रू, वेजाइनल ओरिफिस के थ्रू ही मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो करता है। वेजाइनल ओरिफिस में क्या है, इट इज कवर्ड बाय, समटाइम इट इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ हाइमन टिश्यू। हाइमन की जो एक, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें एक स्लिट होती है, जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये हाइमन की लेयर एब्सेंट भी होती है फीमेल के केस में। क्यों? क्योंकि हैवी साइकिलिंग या एक्सरसाइज की वजह से ये लेयर ब्रेक हो जाती है, और ये प्रोटेक्शन का काम करती है हाइमन लेयर वेजाइनल ओरिफिस में। ये जो पोर्शन है, ये इसके इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस के बीच का जो ये पोर्शन है, इट इज नोन एज द सर्वाइकल कैनाल, इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल कैनाल। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 cm लॉन्ग। और जो ये फोर्निक्स किसको बोलते हैं हम, जो वेजाइना के बीच में और इस सर्वाइकल कैनाल के जो वॉल है उसके बीच में ये जो स्पेस है, दैट इज नोन एज द फोर्निक्स। वेजाइना के बीच में और ये सर्वाइकल वॉल के बीच में जो है ये स्पेस है, दैट इज नोन एज द फोर्निक्स।
ये एक्सटर्नल ओस, ये सब हमने बता दिया है। ये था सेक्शनल व्यू था किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट है, हमने यूट्रस डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट पोर्शन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है, जो हमारा ये रेक्टम होता है, एनस होता है, इसके फ्रंट में एक डिप्रेशन होता है, दैट इज नोन एज द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल है जो ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज द वेस्टिब्यूल, डिप्रेशन होता है। इट इज, ये जो वेस्टिब्यूल है किसके थ्रू ओपन होता है, ये वजाइना किसके थ्रू ओपन होता है, वेजाइनल ओरिफिस। और इसके बाहर जो वेजाइनल ओरिफिस होता है, इसके बाहर टू फोल्ड ऑफ स्किन आर प्रेजेंट, जो हाईली पिगमेंटेड होते हैं। ये जो अंदर वाला जो फोल्ड है दैट इज नोन एज द लेबिया माइनर, एंड जो बाहर वाला जो लार्ज फोल्ड है दैट इज नोन एज द लेबिया मेजर। और इसके फ्रंट में जो एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है, लेबिया मेजर के फ्रंट में एक एलिवेशन सी प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज द मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, इसके इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। ये यू कैन सी, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिथ्रा के थ्रू ओपन होता है। फीमेल के केस में जो है टू ओपनिंग होती है, यूरिथ्रा वाली ओपनिंग एंड दैट इज द एंड द वेजाइनल ओरिफिस। यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास होता है एंड वेजाइनल ओरिफिस के थ्रू, इसको बर्थ कैनाल भी होती है इसमें, एंड इट मेंस्ट्रुअल जो फ्लूइड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वो इसके थ्रू फ्लो करता है। तो अलग अलग ओपनिंग है, यूरिन के लिए अलग ओपनिंग है, एंड दिस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसकी फ्लो के लिए अलग ओपनिंग है। लेकिन मेल के केस में क्या था, सेम ओपनिंग थी, वन ही ओपनिंग थी, यूरिथ्रा एक ही था। ये है हमारा एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है उसके बारे में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का दूसरा नाम है वल्वा, इसको हम वल्वा भी बोलते हैं। और इसमें जो ये है, इसके अंदर क्या है, सीबेसियस, जो ये लेबिया माइनर एंड लेबिया मेजर है, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं एंड सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो इसको मॉइस्ट रखती हैं। नेक्स्ट है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, मेमरी ग्लैंड। जैसे कि आपको पता है मैमल्स की खास बात क्या होती है, उसमें मेमरी ग्लैंड होती हैं, जो मेमरी ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, मिल्क सिक्रीट होता है जिससे वो अपने यंग वन को फीड करती हैं। तो ये मेमरी ग्लैंड है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल होता है उसके बाहर प्रेजेंट होती हैं, और ये पेयर में होती हैं मेमरी ग्लैंड, एंड दीज आर प्रेजेंट, ये जो किसके बाहर होती हैं, ये जो हमारी थोरेक्स की वॉल होती हैं उस पर ये अटैच होती हैं। जो ये मेमरी ग्लैंड हैं, मेमरी ग्लैंड किससे ओपन होती हैं, ये निपल के थ्रू होती हैं ओपन। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ दिस मेमरी ग्लैंड। इसको मेमरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, ब्रेस्ट भी बोलते हैं हम। जो एडल्ट फीमेल होती हैं उसके केस में क्या है, इनका साइज इनलार्ज हो जाता है। कहाँ प्रेजेंट है ये, पेक्टोरल गिर्डल के बाहर एंड थोरेक्स के बाहर। ये है, दिस इज द निपल थ्रू विच दिस मेमरी ग्लैंड ओपन, एंड दिस एरियोला क्या है, एरियोला एक पिगमेंटेड सर्कुलर जो एरिया है जिसके थ्रू क्या है, ये लैक्टिफेरस ग्लैंड है, ये ओपन होती है एरियोला। इसका जो पिंकिश कलर भी हो सकता है, डार्क ब्राउन कलर भी हो सकता है। तो मेमरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, मेमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर क्या है, मेमरी जो ये मेमरी ग्लैंड्स हैं, इस ये कंसिस्ट ऑफ, एक मेमरी ग्लैंड में मेमरी लोब प्रेजेंट होती है 15 से 20। वन मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेमरी लोब्स, ये हैं मेमरी लोब्स। और ये किसके साथ सपोर्ट होती हैं, ये फैट है यहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू बनाती हैं, ये इसको मेमरी ग्लैंड को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। फैट ऊपर भी प्रेजेंट है और नीचे भी प्रेजेंट है। ये मेमरी लोब के जो बीच में जो सेल्स होती हैं, जो मिल्क सिक्रीट करती हैं, दैट इज नोन एज द मेमरी एल्वियोलस। ये मेमरी एल्वियोलस जो सेल्स हैं, ये फर्दर ओपन होती हैं मेमरी डक्ट में। और जो ये मेमरी डक्ट हैं, कई मेमरी डक्ट मिलकर क्या बनाती है, लैक्टिफेरस डक्ट, जिसके थ्रू मिल्क सिक्रीट होता है एंड इट कम्स आउट थ्रू दिस निपल। ये था सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो ये था सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।